वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एसपीडी रिवाइज योर सेल्फ का पेज नंबर 20 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा बीजांड होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा साइकस, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्टिकोल्स, कार्टिकोल्स हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मसानोबू फुफुका, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ का मौसम कब होता है, खरीफ का मौसम होता है, राइट आंसर इसका जून सितंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, राइट आंसर इसका हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कानपुर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, झूम खेती प्रचलित है, झूम की खेती प्रचलित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा तने को छाल से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पुमंग और जयांग, दल पुमंग और जयांग, ब्राह्मा दल पुंज एवं सदल पुंज, सभी चारों चक्र पाए जाते हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पुष्पक्रम, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल का फल होता है, राइट आंसर इसका होगा डूपी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व वन दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 21 मार्च को, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है, राइट आंसर इसका हो जाएगा एफिड, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर एफिड। सबसे बड़े पुष्प होते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा रेफ्लेसिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय में लाल कीट का कारण, राइट आंसर इसका हो जाएगा हरी शैवाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस में बीज नहीं बनते हैं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फर्न हो जाएगा राइट आंसर सी। नींबू में कैंसर रोग होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, जीवाणु से, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मटर में मार्स रोग का कारण है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्नीज की कमी से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, राइट आंसर इसका हो जाएगा द्वितीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है, राइट आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, काजू सेब नाशपाती, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है, राइट आंसर इसका हो जाएगा नकदी फसल तंबाकू है, ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन किस में पाया जाता है अधिक, तो यह हो जाएगा मूंगफली में, ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन में सोयाबीन रहता तो सोयाबीन मारा जाता। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी एमाइड, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई, सोयाबीन की उत्पत्ति हुई है, राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन में, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न
का उत्पादन बढ़ा। राइट आंसर इसका हो जाएगा गेहूं का, ऑप्शन ए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो ये हो जाएगा सोयाबीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन सॉरी इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है? राइट आंसर इसका जिप्सम है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड डॉट रोग किस फसल का रोग है? रेड डॉट रोग किस फसल का रोग है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गन्ना का, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा धान का, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है क्या है? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर गेहूँ। संसार में सबसे अधिक तेल का उत्पादन करने वाला देश है? राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत, ऑप्शन बी। इसके साथ एसपीटी रिवाइज योरसेल्फ का पेज नंबर 20 समाप्त होता है।